Okay, hello, good evening everyone. So let's start with value addition material. मैं read out करते जाऊंगी और explain करते जाऊंगी जो भी नए terms, नए hypothesis वगैरह जो भी news में रहे होंगे उनके बारे में. Some of them are case studies, some of them are tribal case studies, some of them also include about archaeological anthropology part, उनके related case studies हैं. ठीक है, तो वी विल ट्राई टू मेक इट क्विक. आपको ये PDF सेशन के बाद अवेलेबल हो जाएगा. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले और मैंने कोशिश की है इस बार कि जो टॉपिक है सिलेबस से, तो उसका मैंने सब हेडिंग दे दिया है ताकि आपको पता चले कि इसको कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं उस हिसाब से. तो फर्स्ट वन इज अबाउट कॉन्टिनेंटल एक्सेस थियोरी. आप भी अपने साथ साथ लिखते चलें इफ़ यू डोंट वॉन्ट, मतलब एक बार आप रीड तो करेंगे ही ऑफकोर्स, लेकिन अगर साथ साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. सो सबसे पहले थ्योरी है कॉन्टिनेंटल एक्सिस थ्योरी. दिस वाज गिवन बाय जेड डायमंड. तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू टेम्परेचर विच इज हेल्पिंग द टेक्नोलॉजी एंड जिसकी वजह से कल्चरल होमोजेनिटी हमको पता चल रहा है. जस्ट अ मिनट. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ओके, अभी यस मैम, नाउ इट्स फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कल्चर. उसके विदिन एक हाइपोथेसिस है कॉन्टिनेंटल एक्सिस हाइपोथेसिस. इट वाज गिवन बाय जेड डायमंड इन हिज बुक गन्स, जर्म एंड स्टील. ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर अक्रॉस लैटिट्यूड्स एंड उससे रिलेटेड हमको बताना है कल्चरल होमोजिटी. हाँ, किस तरह से एक लैटिट्यूड और एक टेम्परेचर के लोग एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे कल्चरल होमोजेनिटी हमको देखने को मिलती है. दैट इज योर कॉन्टिनेंटल एक्सिस हाइपोथेसिस. ठीक है, देन ये सारे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं एक आधे, जस्ट टू एड इन योर कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स और एवरीथिंग. तो ये सारे हम नहीं देखेंगे. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. पियर बुर्दू, इन्होंने एक विजन बताया है ऑफिशियल कल्चर और काउंटर कल्चर के बारे में. तो ऑफिशियल कल्चर इज द कल्चर ऑफ द पीपल हु आर इन पावर. तो ये आप पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज कर सकते हैं. तो वेर एवर फीजिबल, अगर जिस तरह का क्वेश्चन है, अगर कल्चर का क्वेश्चन है, यू कैन एड एज अ वैल्यू एडिशन पॉइंट ओवर देयर ऑल्सो. सो टू कल्चर्स, ऑफिशियल कल्चर एंड काउंटर कल्चर, यू कैन एड ओवर देयर. नेक्स्ट, अकल्चरेशन एज अ 10 मार्कर मे कम. तो उसके विदिन में अकल्चरेशन नॉर्मल तो आप लिखेंगे ही, उसके अलावा ये फोर फोल्ड मॉडल लिख सकते हैं जिसमें असिमिलेशन, सेपरेशन, इंटीग्रेशन एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में रहेगा. तो यहाँ पर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट एंड ओरिजिनल कल्चर के बीच में. अगर डोमिनेंट कल्चर ज्यादा है तो दैट विल लीड टू असिमिलेशन. अगर डोमिनेंट कल्चर रिजेक्ट हो रहा है, एक एथनिक कॉन्क्लेव क्रिएट हो रहा है, तो सेपरेशन हो रहा है. डोमिनेंट कल्चर और ओरिजिनल कल्चर इक्वल हैं तो इंटीग्रेशन हो रहा है, और अगर दोनों ही रिजेक्ट कर रहे हैं तो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तो अकल्चरेशन के चार मॉडल्स आप अकल्चरेशन के आंसर में लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसकल्चरेशन. तो इसका एक ये किसने कॉइन किया उसके बारे में आप लिख सकते हैं. देन यू कैन मेंशन अ न्यू टर्म दैट इज नियो कल्चरेशन. ओके, तो ये आप ऐड कर सकते हैं जिसमें यू आर कन्वर्जिंग एंड मर्जिंग द कल्चर्स, जिसकी वजह से न्यू कल्चरेशन हो रहा है ट्रांसकल्चरेशन के विदिन. सो दीज आर द टर्म्स फ्रॉम योर सिलेबस इटसेल्फ, बट राइटिंग सम एडिशनल पॉइंट्स इन योर आंसर्स. ठीक है, और मतलब जनरली हम पॉजिटिव एग्जांपल्स देते हैं, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फेल्ड ट्रांसकल्चरेशन कि स्पेनिश कॉलोनियलिज्म का क्यूबा के इंडिजिनियस पीपल पे कोई ज्यादा खास असर नहीं हुआ था. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फेल्ड ट्रांसकल्चरेशन जो आप दे सकते हैं. यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. इफ यू जस्ट मेंशन दिस दैट इज इटसेल्फ इन इटसेल्फ अ वैल्यू एडिशन मटेरियल फॉर यू, है ना. तो दीज आर सम ऑफ दिस. सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वाइज कल्चर यूनिक टू ह्यूमंस. ये हम लिखते हैं, तो यहाँ पर आप एक नया टर्म ऐड कर सकते हैं, होमोलोक्विंस. दैट मीन्स वी आर द स्पीकिंग मैन. दैट इज वाई, तो ये टर्म आप एवोल्यूशन वाले पार्ट में भी डाल सकते हैं जब आप स्पीच एंड डेवलपमेंट की बात करें. तो दिस इज अनदर न्यू टर्म दैट यू कैन ऐड. ठीक है, उसके अलावा तो बाकी नॉर्मल पॉइंट्स ही है, वो आप रीड आउट कर सकते हैं. देर इज नथिंग मच. एंड ये भी एक ऑब्जर्वेशन है डेविड बिडने का अबाउट कल्चर. सो दिस ऑल्सो एज एन वैल्यू एडिशन, एज अ कंक्लूजन और एन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स में वही चीज़ें हैं, बस आई हैव जस्ट लिस्टेड देम डाउन.
ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा यूनिक नहीं है, जस्ट न्यू टर्म्स आर हियर, कल्चर हाइब्रिडिटी एंड कल्चर इज सोशल हेरिडिटी, तो ये एक एडिशनली आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैरिज के ऊपर. तो मैरिज में विलियम स्टीफन जो हमारे ट्रेडिशनल हैं उनके अलावा मैं यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है. तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप इसको इंटरनलाइज कर सकते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट, अदरवाइज यू कैन ओमिट इट, मतलब दैट इज योर चॉइस. ठीक है, और ये कंक्लूजन में लिख सकते हैं यूनिवर्सैलिटी के बारे में जब आप लिखें रॉबिन फॉक्स का स्टेटमेंट. देन अबाउट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आर्टिकल्स देखे हैं मैंने. तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर ऐसे आ सकता है, इट कैन कम इन योर सोसाइटी सेक्शन और इट कैन कम इन योर एंथ्रोपोलॉजी, तो कहीं भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. और ये जो है इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया है राजस्थान में, तो इनको अवार्ड भी मिला है, तो उसके बारे में आप उसमें ऐड कर सकते हैं अबाउट पायल जंगे. ठीक है, देन दीज आर न्यू फॉर्म्स, जैसे हमने वेज ऑफ अक्वायरिंग मेट देखा है, तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर कैसे चूज कर रहे हैं, एक फोक डांस के ट्रूप से अबुज मारिया ट्राइब चूज करता है, तो दिस इज समथिंग एडिशनल दैट यू कैन गिव एज एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज अबाउट कमेंसमेंट ऑफ मैरिज, तो यहाँ पर विनेबागो ब्राइड में कैसा होता है, जो भी वो कपड़े पहनती है ब्राइड के कपड़े, जब वो मदर इन लॉ को देख के उसके एक्सचेंज में ऑर्डिनरी क्लोथ्स जब वो एक्सचेंज कर देती है, दिस इटसेल्फ इज अ मैरिज सेरेमनी अमंग द विनेबागोस. देन मैरिज में हमने डिवोर्स सेक्शन भी पढ़ा होता है, तो डिवोर्स हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फिलीपींस में डिवोर्स नहीं होता है. देन डिविएशन ऑफ मैरिज वी स्टडी अबाउट नायर वगैरह, लेकिन देर आर सम यूनिक एग्जाम्पल्स लाइक बॉस्टन मैरिज बिटवीन वुमेन है यहाँ पर, घोस्ट मैरिज तो हम लिखते ही हैं, अजांडे ये सारे लिखते हैं. कुछ नए मैरिजेस यहाँ पर हैं जैसे ओंटावा 30s में प्री मैरिटल अलाउंसेस है चाइल्ड बेरिंग के लिए भी. ठीक है, बाकी चेन इंडियंस हम पढ़ते हैं, ये सारे पढ़ते हैं. देर आर अदर मैरिजेस लाइक लाइन मैरिज. ठीक है, दीज आर सम न्यू मैरिजेस जो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. बाकी ट्रेडिशनल टर्म्स फॉर नायर मैरिज, विद इन नायर मैरिज तारवाड़ तो हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा एनंगार, ये सारी चीज़ें मुझे मिली तो मैंने ऐड ऑन कर दिया है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड ऑन ऐड देम टू योर नोट्स. ठीक है, उसके अलावा जब भी पॉलीगमी और पॉली मतलब बेसिकली पॉलीगमी के विद इन पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री के बारे में आए, तो रॉबर्ट एच लुई एंड जॉन लुईस इनके बारे में आप लिख सकते हैं. एंड देन यू कैन गिव दीज एग्जांपल्स, इफ यू डू नॉट हैव दीज यू कैन ऐड ऑन टू देम, अगर है तो बहुत अच्छी बात है. फिर वेज ऑफ अक्वायरिंग मेट को और भी बेटर तरीके से क्लासिफाई हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लुई के बुक. सो बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ पेरेंट एंड कपल, कंसेंट ऑफ कपल एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, इस तरह से तीन सेग्रीगेशंस में फिर उसके विद इन सेम पॉइंट्स को आपको सेग्रीगेट करना है. तो दिस आई फाउंड द स्ट्रक्चर मच बेटर इन दिस वे, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है. इसके अलावा देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द चाइल्ड ऑफ फर्स्ट कजन, मतलब फर्स्ट कजन मैरिजेस के कॉन्सिक्वेंसेज, जेनेटिक इफेक्ट्स जो है उसके बारे में. तो रिंग क्रोमोजोम पाया जाता है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है जस्ट इन केस इफ इट कम्स, मतलब वापस तो नहीं आएगा, आ चुका है 2020 में, बट आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड. फिर घरासिया ट्राइब जो है लिव इन रिलेशनशिप्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ अ ट्राइब ऑफ राजस्थान एंड उनके लिविंग मैरिज लिव इन रिलेशनशिप्स को डापा नाम दिया गया है, सो दैट यू कैन ऐड. और इसके ऊपर काम किया है सोशल साइंटिस्ट राजीव गुप्ता ने, तो दीज आर समथिंग. उसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें, देर इज वन मोर चादर डालना विच इज नथिंग बट मैरिंग योर ब्रदर्स विडो, विच इज इन अदर वर्ड्स नथिंग बट योर लेविराट मैरिजेस. तो लेविराट मैरिजेस या मैरिजेस के रूल्स जब आप लिखें तो उसमें ये एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं घरासिया ट्राइब्स का, एंड यू कैन यूज दीज ट्रेडिशनल टर्म्स. यस, दीज आर एथनोग्राफीज, दिस इज वन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट ट्राविक, तो उन्होंने अपनी बुक नोट्स ऑन लव इन तमिल फैमिली उसमें क्रॉस कजन मैरिजेस के ऊपर काफ़ी प्रेफरेंस देते हुए एंड रेविडेंट किनशिप सिस्टम के बारे में लिखा है. तो इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट किनशिप स्टडीज, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ये एथनोग्राफी के बारे में लिख सकते हैं. इट ऑल्सो स्पोक अबाउट पर्सन सेंटर्ड एथनोग्राफी, ठीक है, ये एक टर्म है जो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेजरली तो उन्होंने क्रॉस कजन मैरिजेस के ऊपर काम किया है. तो अगर क्रॉस कजन या मैरिज रूल्स के ऊपर क्वेश्चन आए तो ये आप डेफिनेटली एथनोग्राफी यहाँ पर लिख सकते हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एक बार, ज़्यादा कोई खास पॉइंट्स नहीं है, लेकिन कुछ अगर लिखना है जैसे फिलियन रिलेशंस है तो उसके ऊपर भी आप इस एथनोग्राफी को कोट कर सकते हैं. तो मल्टीपल प्लेसेस ऑफ योर सिलेबस यू कैन कोट दिस एथनोग्राफी, राइट. नेक्स्ट अगर हम देखें, डी एन मजूमदार इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. डी एम मजूमदार के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, तो उन्होंने फ्रटर्नल पॉलीएंड्री के बारे में बताया है एंड जॉनसर बावर को उन्होंने स्टडी किया है बहुत अच्छे से, तो उनकी ये एथनोग्राफी है बेसिकली. एंड हियर ही हैज़ कंडक्टेड सेंसिस जीनियोलॉजी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन. तो यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ
डीएम मजुमदार स्टडी इन जीनियोलॉजी स्ट्रक्चर इंटरव्यू वगैरह भी आप दे सकते हैं. तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. इफ नॉट द क्वेश्चन कम्स ऑन डीएन मजुमदार, राइट. देन क्रिस्टोफर वॉन व्यूफर हेमेंडोर्फ. हेमेंडोर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मतलब अगर साउथ इंडियन ट्राइब्स के ऊपर आए तो आपने अगर ये केस स्टडी अच्छे से कर रखी है अबाउट द राज गोंड्स. एंड गोंड्स वर ऑल्सो इन न्यूज बिकॉज ऑफ कोरोना. सो गोंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब दैट यू हैव टू मतलब यू कैन फोकस अपॉन. तो अगर आप ये एक केस स्टडी को अच्छे से कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर द गोंड एस्पेक्ट. अगर गोंड एस्पेक्ट की तरफ से आया, अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरफ से आया तो हेमेंडोर्फ के तरह से आप वो कर सकते हैं. तो दिस वे यू कैन यूज इट एट मल्टीपल प्लेसेस एंड फर्दर यू कैन यूज इट फॉर प्लेसेस लाइक स्वीडनिंग. जैसे यहाँ पर शिफ्ट किया उन्होंने इकोनॉमी को और बेसिकली यहाँ पर कल्चर चेंज के बारे में वो बात कर रहे हैं कि गोंड जो ट्राइब है उनमें इकोनॉमिक चेंजेस ज़्यादातर आए तो वो किस तरह से आए और वॉट आर दोज चेंजेस, ठीक है. तो उसके ऊपर बेस्ड है ये. तो स्वीडनिंग से शिफ्ट होके ये सेटल्ड एग्रीकल्चर के टूवर्ड्स मूव होते हैं बिकॉज ऑफ कल्चर कॉन्टैक्ट. तो यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है. देन यू कैन राइट अबाउट देयर फैक्ट्री, इन सारी चीज़ों के बारे में एडिशनल. वो यहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की थ्योरी जब आप लिखें तब वहाँ पर भी इस केस स्टडी को आप कोट कर सकते हैं. एंड देर इज अ न्यू टर्म दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस केस स्टडी दैट इज एथनो पोएटिक्स. तो ये चीज़ आप एक और ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर. दूसरा, हिंदुआइजेशन की वजह से वो अपनी सोशल मोबिलिटी करते हैं. तो जब सोशल मोबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इसको कोट कर सकते हैं. एंड जैसे मार्गरेट मीड का रीस्टडी, मतलब सामोन्स का रीस्टडी डेरेक फ्रीमैन ने किया था, उसी तरह से यहाँ पर रेमंड फर्थ ने भी रीस्टडी किया था इन्हीं गोंड्स को, लेकिन दूसरे टाइम पीरियड में. तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है. देन या दिस इज मोर ऑर लेस. और ये एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब आप ट्राइबल जस्टिस या लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटीज के बारे में लिखे तब यहाँ पर आप एक और एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हेमेंडोर्फ ने कंपेयर किया साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन ट्राइब्स को ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल जस्टिस, ठीक है. तो किनशिप बेस्ड जस्टिस या ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो नॉर्थ इंडियन ट्राइब्स में नहीं होती, साउथ इंडियन ट्राइब्स में होती है, ठीक है. एंड गोंड कैलेंडर, ये सारे छोटे मोटे चीज़ें आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. और यहाँ पर भी केस हिस्ट्री, यस, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन, क्वेश्चनेयर, जीनियोलॉजी, इनके ऊपर आप एग्जांपल्स के तौर पर ये वाला केस स्टडी दे सकते हैं. नेक्स्ट, एब्रम कार्डिनल वी जनरली रीड, देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट इट. सिर्फ मैंने सेग्रीगेट करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, तो यू कैन गो थ्रू वंस. इसमें भी ज़्यादा नया कुछ नहीं है, इनमें भी नया कुछ नहीं है. नियो डर्केम में इन सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम आता है, तो अगर इनमें से किसी के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप उनको नियो डर्केम एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह टैग करके लिख सकते हैं. सो दैट इज व्हाई आई जस्ट मेंशन देयर नेम्स, बाकी इनमें भी कुछ नहीं है. यहाँ पर कोरा दुबुआ ने एलोरीज के ऊपर काम किया था, तो उसमें एक एडिशनल पॉइंट मुझे मिला, तो वो मैंने लिख दिया है कि दे पेसिफाई द चिल्ड्रन बाय मैस्टरबेटिंग. सो दैट इज वन एडिशनल पॉइंट दैट यू कैन, इफ यू वांट टू राइट. देन अगेन दीज आर सिंपल वन लाइनर्स, यू कैन रीड देम ऑन बाय योरसेल्फ. रिलीजन एस्पेक्ट में आई हैव गिवन थ्री व्यू पॉइंट्स, तो वो आप देख सकते हैं, नथिंग फैंसी अबाउट दैट ऑल्सो. आईवीसी में सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन कीलड़ी में जो तमिलनाडु में मिला था, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कहीं भी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ये पॉइंट को. और दूसरा, ट्राई टू प्रिपेयर इंडिविजुअल साइट्स स्पेशली ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया. जैसे राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में, जैसे कालीबंगन इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखेगा, सो इट विल बी हैंडी फॉर यू, अच्छा रहेगा. देन जेनेटिक्स के विदिन उम्मीद एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जिसमें हम इनहेरिटेड डिजीजेस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में वो कर रहे हैं. दैट इज वन पॉइंट, एडिशनल पॉइंट दैट यू कैन राइट समवेयर. देन कॉड ब्लड बैंकिंग, एक नया तरह का स्टेम सेल बैंकिंग है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं. देन देर इज अ टर्म कॉल्ड पैरासाइटिक ट्विन, मतलब फीटस के विद इन फीटस का मिलना, दैट इज नोन एज पैरासाइटिक ट्विन. देन मानव इनिशिएटिव है, जीनोम इंडिया इनिशिएटिव है, ये तो आपने पहले देख रखे होंगे. जेनेटिक लोड तो हमने क्वेश्चन ही लिखा है, उसके विद इन में म्यूटेशनल सेग्रीगेशन और इनकम्पैटिबिलिटी, उसका इफेक्ट वगैरह. अनदर इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर इज एपीजेनेटिक्स. नाउ एपीजेनेटिक्स का क्या मतलब है, ट्विन स्टडीज जब हम करते हैं तो मोर और लेस द ट्विन्स आर सेम, हाउएवर ऐसा बहुत बार होता है कि विद इन द ट्विन्स ऑल्सो देर इज सम चेंजेस. Why is that change? Because of, it is because of epigenetics, that is because of the environment. तो environment based जो changes होते हैं, in other words we can say कि जो भी evolution में या कहीं भी changes आपको नजर आ रहे हैं, या फिर अगर आपका DNA कहता है कि आपकी height 6 feet तक
पहुंच सकते हैं. ओके, योर ब्लूप्रिंट अलाउज यू टू रीच 6 feet ऑफ हाइट, बट यू आर नॉट एबल टू बिकॉज ऑफ से आपने न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लिया या आपके ग्रोथ पीरियड में स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, तो यू वुड नॉट बी एबल टू रीच योर पोटेंशियल. एंड वाई इज दैट सो? बिकॉज ऑफ द एपिजेनेटिक्स. ठीक है, तो डीएनए में इस तरह के मतलब डीएनए तो आपका बहुत ही पोटेंशियल वाला है, लेकिन आप उस पोटेंशियल को रीच नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स इन द एनवायरमेंट. सो दैट इज दैट डिफरेंस is known through the concept of epigenetics. ठीक है, उसके विदिन, और उसके विदिन एक और कॉन्सेप्ट है which is DNA methylation. Yes, और उसका रिलेशन हमने ह्यूमन डिजीज के साथ किया है, तो इसके ऊपर भी दो चार आर्टिकल्स आए हुए थे, तो दैट इज वाई आई थॉट दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसको भी. ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, लेकिन जस्ट गो थ्रू वंस, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको. जस्ट हैव अ रफ आइडिया कि उसको आप कैसे रिलेट कर रहे हैं डिजीज वगैरह से. ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है डीएनएमटी, दैट इज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेसिस. दीज आर द टूल्स थ्रू विच द मिथाइलेशन बेसिकली हैपेंस. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. डीएनए मिथाइलेशन इज नोन एज एन एग्जाम्पल फॉर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन इन द ह्यूमन जीन्स. सो दैट इज अबाउट दिस. उसके बाद में बार्कर हाइपोथेसिस है, इट इज अगेन रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन. तो अगर आप न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आए, तो आप इस हाइपोथेसिस को कोट कर सकते हैं अबाउट माल न्यूट्रिशन एंड अडल्टहुड, कि किस तरह से अर्ली लाइफ में अगर आपका माल न्यूट्रिशन है तो आपको अडल्टहुड में क्रॉनिक डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है. ठीक है, देन देर हैज बीन कंडक्टेड अ ट्विन स्टडी इन द इंडियन स्पेस ISS बेसिकली. तो वहां पर स्पेस में आइडेंटिकल ट्विन्स का स्टडी हुआ है, तो दिस इज समथिंग यू कैन एड ऑन टू योर ट्विन स्टडी इफ क्वेश्चन कम्स ऑन ट्विन स्टडी. उसके बाद में इट इज नॉट जस्ट मटर्नल हेल्थ, जो हम 11th यूनिट में पढ़ते हैं, द फादर्स हेल्थ, दैट मीन्स इफ फादर इज ओबेस तो भी 60% चांसेस हैं कि बेबी अंडरवेट हो. तो दैट मीन्स फादर की हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज हेल्थ. तो ये सपोर्ट करने के लिए. और नेक्स्ट वाला है 14-day रूल का मतलब ये है कि जनरली 14 डे तक अलाउ नहीं किया जाता है एम्ब्रियो को स्टडी करना, लेकिन अभी अभी स्टडी हुआ है एंड जो ब्लास्टोसाइट है उस इमेज को कैप्चर किया गया है, जिसमें मतलब इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ लंप ऑफ सेल ऐसा कहा जाता है, विच इज़ लाइक अ पॉप इन साइज समथिंग. तो कुछ रिसर्च हुआ था, तो दिस इज सम रूल. तो आप ये चीज़ एथिकल वाले एस्पेक्ट में एड ऑन कर सकते हैं. देन एजिंग वाले कॉन्सेप्ट में टीलियोमियर्स के बारे में आप एड ऑन कर सकते हैं. ये हमने कहीं आंसर्स में भी मैंने इसका पॉइंट ऑलरेडी दिया है. दूसरा, ये आप जीन के बारे में ऐड कर सकते हैं, जिसमें मदर्स की ओल्ड एज के साथ अगर ये जीन डोमिनेंट हो उनके मदर के अंदर, तो फिर इट इज़ मोर लाइकली दैट डाइजाइगोटिक ट्विन्स आर बॉर्न. अदरवाइज जनरली हम पढ़ते हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विन्स होना मतलब मदर का ओल्डर एज का होना इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दैट. लेकिन अगर ये जीन भी होता है तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि डाइजाइगोटिक ट्विन पैदा होते हैं. उनकी फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पर नोटेड डाउन है. उसके अलावा जीनोम पत्री, दिस इज अ न्यू टर्म दैट यू कैन एड जस्ट फॉर योर वैल्यू एडिशन. देन गार्डियन, सो दीज आर सम न्यू टर्म्स दैट यू कैन एड. देन 1000 जीनोम प्रोजेक्ट एंड जीनोम एशिया 100K, दीज आर ऑल्सो प्रोजेक्ट जिस तरह से हम पहले वाले किए हैं. देन एथिक्स इन ह्यूमन जेनेटिक्स, स्पेशली ह्यूमन जीन एडिटिंग, तो वो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है. यहाँ पर भी मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, टॉकिंग अबाउट डिजाइनर बेबीज और चाइनीज रिसर्चर्स जो मैंने एम्ब्रियोज वाला बोला है, तो उन सारी एस्पेक्ट्स के थ्रू यहाँ पर. और दूसरा, इसका ऑल्टरनेटिव भी देना है कि अगर जीन एडिटिंग इज समथिंग हार्मफुल या अनएथिकल इन सम वेज, देन वॉट इज द ऑल्टरनेटिव गोइंग फॉर IVF. ठीक है, तो that is what you can do. फिर next concept है आपका gene variant that has helped the humans to survive starvation. तो वो किस वजह से, how could we survive starvation? Because of some growth hormone. ठीक है, तो ये चीज़ है. Just if you go through once, you will understand. आपको हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. Even if in the back of your mind if it is there, you can add it. क्योंकि आपको पूरा story नहीं लिखना होता है, just one or two lines आपको additionally लिखने होते हैं. ठीक है, next है आपका एक फीमेल इन्फेंट का बरियल मिला है यूरोप में. ठीक है, तो उससे हमको समझ में आ रहा है कि पर्सनहुड किस तरह से इवॉल्व हुआ है. बेसिकली बहुत ही फैंसी वे में उसका बरियल मिला है, बहुत ही चीज़ें उसके बरियल के आसपास उसको मिली हैं. ठीक है, तो इसलिए हमने उसको रिलेट किया है अर्ली मिसोलिथिक पीरियड में. तो मिसोलिथिक के ऊपर क्वेश्चन आए, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ये बात. और दिस किस तरह से चाइल्ड के फ्यूनरल या बरियल गुड्स को ट्रीट किया गया है, उससे हमको पता चलता है कि किस तरह का पर्सन है, इंडिविजुअल है, मॉरल एजेंसी है वहाँ पर, और मेंबरशिप है. ये चीज़ आप लिख सकते हैं. फिर इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, रेडियो कार्बन डेटिंग, अगेन यू कैन ऐड इन ड्यूरिंग
इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन रेडियो कार्बन डेटिंग ऑल्सो, ठीक है, तो वहां पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं. और दूसरा, ये लीनियज जो है यूरोपियन वुमेन के लीनियज को बिलोंग कर रहा है और इस हैप्लो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो वो आप एडिशनली लिख सकते हैं. और दूसरे मेथड्स जैसे वर्चुअल हिस्टोलॉजी हो, जैसे इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, इससे पता चल रहा है कि जो है वो 40-50 डेज आफ्टर बर्थ उसका डेथ हो गया था, ठीक है. और कार्बन और नाइट्रोजन एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जब वो वूम्ब में थी, जब ये जो हमको मिला है फॉसिल, जब वो वूम में थी तो उसकी माँ ने किस तरह का डाइट किया था. तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऐड फॉर योर रिसर्च मेथड्स एटसेट्रा. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर्स में, नेशर रामला एंड होमो लॉन्गे, दैट इज ड्रैगन मैन, इन दोनों का डिस्कवरी. तो ये कुछ पॉइंट्स है एडिशनल, जो कुछ तो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हैं. अदरवाइज टेक अ लिटिल टाइम, लाइक हाफ एन आवर आपका लगेगा, लेकिन वंस इफ यू गो थ्रू, ये तो खैर कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें बात हो रही है कि जो होमो सेपियंस हैं उनके साथ में देर आर अदर ह्यूमन स्पीशीज ऑल्सो इवॉल्विंग, राइट. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट को एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल ह्यूमन स्पीशीज, बट देर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो, जैसे पूरा एवोल्यूशन यहाँ पर दिखा दिया गया है, ठीक है, किस तरह से ड्रैगन मैन को हम फिट कर रहे हैं अपने एवोल्यूशनरी ट्री में. तो यहाँ से हम बिगिन करते हैं, फ्रॉम देर आर डिफरेंट स्पीशीज, सबके बारे में आपको याद नहीं रखना है, सम ऑफ देम आई हैव हाईलाइटेड, और बहुत कुछ हमारे सिलेबस से ही मिलता जुलता है, ठीक है. लेकिन एक एडिशनल पॉइंट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेरिबा, ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज मोर लाइक द लोकोमोशन इज मोर लाइक एप देन ह्यूमंस, ठीक है, उसके बारे में आगे भी है, हमने देखा है. देन हैबिलिस इरेक्टस फ्लोरोसियंसिस, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी लिखा है. होमोहीडल बर्जेनेसिस, इसके ऊपर 10 मार्कर नोट प्रिपेयर करना, एज इफ द क्वेश्चन कैन कम लाइक यूरोपियन होमो इरेक्टस, राइट, सो दैट कैन कम, एंड देन यू कैन लोकेट ड्रैगन मैन. तो बेसिकली आपको क्रक्स इतना ही नोट डाउन करना है कि कहाँ डिस्कवरी हुई है, कितने साल पुराना है, ठीक है, और इससे हमारे एवोल्यूशनरी ट्री, ह्यूमन एवोल्यूशनरी ट्री में हलचल पैदा हो गई है. दैट इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर, बट आई हैव गिवन यू इन डिटेल, क्योंकि यू नेवर नो, अगर सिर्फ इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए तो यू नेवर नो, इसीलिए. एंड बिकॉज इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी, जैसे लास्ट ईयर आर्यन डिबेट्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा आर्टिकल्स आए थे, तो इस साल दिस इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी थिंग. तो आई थॉट इफ एट ऑल अ 10 मार्क क्वेश्चन कम्स यू शुड बी वेल प्रिपेयर, सो आई हैव गिवन एट लेंथ, बट डोंट वरी इफ यू जस्ट रीड देम, दैट इज फाइन. अदरवाइज अगर आपने इतना पढ़ ही लिया है तो उसको कहीं ना कहीं तो आप यूज कर ही लोगे, ठीक है, तो वो कोशिश करना. उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अबाउट नियंडरथल्स. अब नियंडरथल्स का सीन ये है कि उसके ऊपर काफ़ी स्टडीज होती रहती है. वाई? बिकॉज दे आर लाइक कंटेम्प्रेरीज टू होमो सेपियंस, एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि नियंडरथल के एक्सटिंक्शन की नई थियोरी आई. तो आई एम प्रिडिक्टिंग कि कुछ जैसे IVC के डिक्लाइन की थियोरीज के बारे में पूछ लिया गया था, तो लाइकवाइज नियंडरथल के एक्सटिंक्शन के थियोरीज के बारे में. तो अगर आपने सेपियंस वाला वीडियो देखा है तो उसमें भी दो डायमेंशंस में मैंने उसको बताया है, ठीक है. तो उन्हीं जैसे इनब्रीडिंग और दूसरा मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो इस तरह से उसको सेग्रीगेट किया था, उसी तरह से आप सेग्रीगेट करके दोनों थियोरीज के बारे में लिख सकते हैं, एंड देन द न्यू थियोरीज दैट हैव शोन नीचे थोड़ा, है ना, जैसे एक्सटिंक्शन की थियोरीज है. तो कुछ थियोरीज तो पहली वाली हैं, पुरानी वाली, तो ये हमको यहाँ पे लिखनी है. बाकी सेपियंस की बुक में ही उन्होंने नई थियोरीज के बारे में दिया है, तो वो भी यहाँ पर एड ऑन ही किया गया है. एंड 2019 में नई थियोरी दी गई है विच टॉक्स अबाउट दैट, मतलब जनरली अगर मोटा मोटा बात करें तो पुरानी थियोरीज का कहना है कि नियंडरथल्स जो थे हमसे कमजोर थे, इसीलिए वो हमसे हार गए और उनका एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है. लेकिन अभी जो है वी कैन से जेनेटिक एस्पेक्ट्स की वजह से उनका एक्सटिंक्शन हुआ है, इस तरह की थियोरी सामने आई है, तो वो आपको पुट ऑन करनी है, ठीक है. रैंडम वेरिएशंस इन द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, पॉपुलेशन साइज, इन ब्रीडिंग, इन सारी वजह से जो है हमारे जो कजन्स हैं उनका डिसअपियरेंस हुआ है. दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. नेक्स्ट नया टर्म है नियंडर सोवांस, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नियंडरथल्स एंड देनी सोवांस. ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा है, आई डोंट थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैन यूज दिस फैंसी वर्ड समवेयर, so that is why I've mentioned. दूसरा, I have seen a lot of articles on teeth, ठीक है, काफ़ी teeth मिल रहे हैं etc. तो I am predicting or assuming कि evolution of dentition के इस इन lines पे कोई question आ सकता है maybe, ठीक है. तो और उसमें value addition के लिए आप ये points लिख सकते हैं.
नियंडरतल टीथ है। तो बेसिकली कहा इसमें ये गया है कि नियंडरतल टीथ जो है काफी जल्दी ग्रो हुए हमसे कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से एक तो ये हुआ कि मोर्टैलिटी रेट हायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हायर मोर्टैलिटी रेट, एंड फास्टर रेट ऑफ डेंटल डेवलपमेंट की वजह से, जो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें, बस और कुछ नहीं। दो दो पीपल ने स्टडी किया है, पैट्रिक मोहनी एंड दिस को ऑथर बी हॉली स्मिथ। तो दोनों ने दो दो पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, अबाउट द मतलब अगर फास्ट ग्रो हुआ है तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो दीज आर द टू सिग्निफिकेंस दैट यू कैन ड्रॉ आउट ऑफ इट, ठीक है। अदरवाइज जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ डेंटिशन ऑन दोज लाइंस में भी, ठीक है। देन दूसरा डेनिसोवांस, इसका छोटा ब्रीफ मैंने पहले वाले वैल्यू एडिशन में भी दिया था, लास्ट ईयर भी ये न्यूज में था, विच स्पोक अबाउट के डेनिसोवांस आर द फर्स्ट पीपल हु वर मोस्ट अडेप्टेड टू द हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। उसी तरह से नियंडरथल्स जो है कोल्डर क्लाइमेट को अडेप्ट करने वाले फर्स्ट स्पीशीज थे, एंड लाइकवाइज डेनिसोवांस आर द पीपल हु फर्स्ट अडेप्टेड टू द हाई एल्टीट्यूड स्पेशली द टिबेटन प्लेटू। और वो कब, अपने 1,60,000 ईयर्स अगो ही वो रीच कर गए थे, हम हमारे 1,20,000 ईयर्स पहले ही, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट होमोसेपियंस वर द फर्स्ट वंस टू गो टू द टिबेटन प्लेटू, इट वॉज डेनिसोवांस। तो दिस इज समथिंग, और यहाँ पर अगेन इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आई जस्ट लेट इट बी इन द प्लेस। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है होमोहीडल बर्जेनेसिस, तो उनके उनके ही एडिशनल पॉइंट्स के लिए यहाँ पर टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ टूल्स डिड दे मेक बिकॉज, और यहाँ पर डिस्कवरी कहाँ हुई है वो आपको नोट डाउन करना है, बॉक्स ग्रोव, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इन एडिशन। उसके अलावा बाइपेडलिज्म के ऊपर नई बुक आई है जेरेमी डेसिल्वा की, द फर्स्ट स्टेप्स इस नाम से। तो दिस बुक टॉक्स अबाउट हाउ व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपेंड व्हेन ह्यूमंस टर्न्ड बाइपेड। तो इसका ऊपर इसके ऊपर हमारा सेपरेट सेगमेंट ऑफ सिलेबस ही है, तो व्हाई नॉट यू कैन ऐड दिस एज अ वैल्यू एडिशन, जो नया बुक है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको ऑलरेडी बोल रही थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा, ठीक है। तो वी इट इज एन एंशियंट ह्यूमन हु वॉक लाइक ह्यूमन बट क्लाइम्ब लाइक एन एप, तो इट हैड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लोकोमोशन। तो अगर प्राइमेट अडेप्टेशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इसमें वो ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, शोइंग दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हु वॉक लाइक अ ह्यूमन बट क्लाइम्ब लाइक एन एप। तो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल वहां पर, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, तो मैंने नोट डाउन कर लिया है यहाँ पर। दूसरा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ह्यूमन्स का कम सोना उनके एवोल्यूशनरी एडवांटेज में बदल गया था सो टू से। तो उसके ऊपर सारा एक है, ये नए टर्म्स हैं सोशल स्लीपर्स वगैरह, जो आप ह्यूमन बिहेवियर या प्राइमेट बिहेवियर इन सारी चीज़ों में एड ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो बेसिकली इनका कहना ये है कि बिकॉज वी अगर आप इफ यू आर स्लीपिंग ऑन ट्रीज, येस, सो यू विल नॉट बी डिस्टर्ब बाई एनी एनिमी मच, तो आप ज्यादा घंटे सो सकते हैं। दैट इज वाई आर अदर प्राइमेट एंसेस्टर्स स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स, हाउ एवर द ह्यूमंस बिकॉज दे टर्न टू टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, तो वो जमीन पे सोने लगे तो काफी खतरा रहता था, तो उनकी जो नींद है वो बहुत कम होने लगी, और ऑल्सो बिकॉज खतरा रहता है तो वी स्टार्टेड स्लीपिंग इन ग्रुप्स, ठीक है। तो दैट इज वाई वी आर नोन एज सोशल स्लीपर्स, सो दिस इज समथिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड यहाँ पर सोशल स्लीप हाइपोथेसिस के नाम से भी ये है, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इस तरह से सोने की वजह से वी कुड स्पेंड मोर टाइम ऑन कल्चरल ट्रांसमिशन, बेसिकली नए स्किल सीखना, फ्रेंडशिप्स डेवलप करना, या अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ बॉन्डिंग करना, तो ये सारी चीजें हो सकी बिकॉज वी स्टार्टेड स्लीपिंग लेस, ओके। सो दिस इज समथिंग, एंड अगेन अनदर पॉइंट अबाउट टीथ, तो ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन ऐड अगर डेंटिशन के ऊपर क्वेश्चन आए, अदरवाइज यू कैन यूज इट एज यू लाइक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस, तो दिस इज अबाउट ईटिंग फ्रूट्स, एंड वंस यू स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स तो आपका जो ग्रे मैटर है उसका एवोल्यूशन हुआ है, दैट मीन्स आपकी जब वेराइटी ऑफ डाइट बढ़ती है तो आपका ब्रेन साइज लार्ज हुआ, दैट इज वॉट मेड द प्राइमेट्स एंड लेटर ऑन ह्यूमन्स, ओके। सो दिस इज समथिंग यू कैन एड ऑन इन योर एवोल्यूशन पार्ट। देन रिलीजन एस्पेक्ट में रिचुअल बिलीफ, ये सारी चीजें तो ठीक है नॉर्मल है, हाँ ये तीन चीजें कुछ यूनिक लगी मुझे, तो विच इज कनेक्टिंग द
economic aspect with the religion aspect. So individual shamanic cults are usually found in food gathering societies. Communal cults are found in complex societies. Monotheistic and ecclesiastic cults are found in stratified societies. ठीक है, तो this is something that you can have. बाकी ये सारे नाम तो आपको पता ही हैं. और ये थोड़ा सा interesting है. Fables हैं, जैसे ऐसे fables हैं और Ramayana. इन दोनों में किसी भी law का बर्ड्स को बचाने से ज्यादा काम इस तरह की स्टोरीज ने किया है. तो फोक टेल्स या फोकलोर्स या कहो ओरल हिस्ट्री, ठीक है, इन वाले कॉन्सेप्ट्स में आप ये चीज डाल सकते हैं. ठीक है, ये वाला पैराग्राफ वहां पर डाल सकते हैं. जस्ट लाइक लास्ट ईयर आया था, कौन सी एथनोग्राफी थी वो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. कंपैरेटिव एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी. तो उसी तरह से ग्राफिक एथनोग्राफी आप नोट डाउन कर सकते हैं. एक आर्टिकल इसके ऊपर भी आया था. ग्राफिक एथनोग्राफी इज नथिंग बट योर कॉमिक टाइप एथनोग्राफी लिखना. ठीक है, तो उस बेसिस पे या फिर फोटोग्राफिक वे में. सो बेसिकली योर विजुअल फॉर्मेट ऑफ क्रिएटिंग एथनोग्राफी इज योर ग्राफिक एथनोग्राफी. ओके, और उसमें आप नाम मार्गरेट मीड वगैरह इनका भी डाल सकते हैं. नेक्स्ट है जीनियोलॉजिकल मेथड. तो ये आई थिंक अपने इसमें चैनल के ऊपर भी जो केस स्टडीज हैं वहां पर भी ये डाला गया था. गालोस कम्युनिटी कैसे ट्रेस करते हैं अपने एंसेस्टर्स को, क्योंकि अपने बेटे के नाम में उनका फादर का नाम प्रीफिक्स होता है. जैसे अगर मान लो जो भी है आपके फादर का जो लास्ट नेम है, लास्ट ऑफ योर फादर विल बी द फर्स्ट ऑफ योर चाइल्ड्स नेम. ओके, सो दिस इज हाउ इट कंटिन्यूज. एंड इसकी वजह से आप 20 जनरेशन तक आपके एंसेस्टर्स को ढूंढ सकते हो. तो गालोस कम्युनिटी का आप एग्जाम्पल जीनियोलॉजिकल मेथड अगर क्वेश्चन आए तो दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी. इसके विद इन दो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी. So formal is nothing but about quantitative and your social demography is more a wider term, just like growth and development. तो उसी हिसाब से है. तो these are new terms that you can add if a question on demographic aspect comes, right? Then tribals के ऊपर काफ़ी ज़्यादा case studies हैं, हर साल रहती हैं वैसे. तो आप लिख सकते हैं some programs will be there that are run by government. तो उनके हिसाब से जैसे वंदन विकास कार्यक्रम है, ये सारी चीज़ें हैं. बट दीज आर दिस इज समथिंग वेरी न्यू एंड यूनिक. ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, कहीं भी आप इसको एड ऑन कर सकते हैं. द कल्चरल मॉडल ऑफ कंजर्वेशन एंड द कोलोनियल मॉडल ऑफ कंजर्वेशन. ठीक है, कल्चरल मॉडल क्या होगा, आप जो है ट्राइबल की राइट्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं जितना आप रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं. दैट इज द कल्चरल मोड ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें आपके ट्राइबल्स भी हेल्प करेंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्रेट ग्रूव, एनएमएस कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा. कोलोनियल मॉडल ऑफ कंजर्वेशन क्या था, कि ट्राइबल्स को निकाल दो वहां से एंड फोकस ओनली ऑन द रिसोर्सेज. दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस. उसके अंदर ही आप एग्जाम्पल्स के तौर पर दे सकते हैं, दिस किंशासा रेजोल्यूशन है और डिफरेंट ट्राइब्स किस तरह से वो कोऑपरेट करते हैं कंजर्वेशन में. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन मैंशन. ठीक है, जनरली ये बहुत ही कॉमन सा होता है ब्लैक बक वाला. एंड उसी तरह से यहाँ पर नीशी ट्राइब का हॉर्नबिल को कंजर्व करना. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन डोनेट. देन ट्राइफेड, ट्राइफेड के भी काफ़ी सारे स्कीम्स हैं. तो ट्राइफेड अगर इंडिविजुअली एक 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो उसमें आप ये सारे स्कीम्स उसमें एड ऑन कर सकते हैं, किस तरह से ट्राइफेड इज हेल्पिंग थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस. ठीक है, दिस इज वॉट यू कैन डू. इस तरह से इसमें तो कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एंड आई डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन. इफ यू जस्ट गो थ्रू यू विल अंडरस्टैंड. डी नोटिफाइड ट्राइब अलग से, यहाँ पर कमीशंस वगैरह के नाम हैं तो वो भी देख सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स, रिकमेंडेशंस एंड देयर कमीशंस. तो ये सारे, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग. तो आ सकता है. पीवीटीजीज के ऊपर नोट तो प्रोवाइड कर दिया है, यू कैन एड ऑन. न्योलिथिक अगर क्वेश्चन आए तो न्योलिथिक पॉटरी, मतलब किम नाम से, किम कार्डाशियन के नाम से उसको, क्योंकि पॉट का शेप ऐसा था तो उसका डिस्कवरी हुआ था. देन अगेन ह्यूमन जीनोम. इसमें ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस है एक, विच सजेस्ट दैट जो अपने जीन्स हैं उसकी जो एवोल्यूशन अगर आपको ट्रेस करना है तो यू कैन ट्रेस इट थ्रू योर मदर्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो दैट इज योर ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस. देन अगर कास्ट की बात करें तो ये तो जनरल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है. ओपन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि पहले तो बहुत ही हिडन फॉर्मेट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, कि जो है लोअर कास्ट है तो उनको अलाउ नहीं किया जाता था. तो सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन अभी क्या है, दिस जॉब इज ओनली फॉर ब्राह्मण्स. इस तरह से ओपन एडवर्टाइजमेंट करते हुए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके दिस इज वेरी अगेंस्ट. और उसमें आप नाम लिख सकते हैं अमिताभ कुंदरू की कमिटी रिपोर्ट का, एंड उन्होंने उसका सजेशन भी दिया है कि इस तरह से प्राइवेट और नॉन स्टेट स्पीयर में भी हमें जो है डिस्क्रिमिनेटरी लॉस को एक्सटेंड करना चाहिए. तो ये उनका है. और लेकिन उसके ही
काउंटर में आप लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि इट इज कम्प्लीटली द कास्ट इज मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि पहला नॉन ब्राह्मण, वी हैव अ फर्स्ट नॉन ब्राह्मण हु पास्ड आउट फ्रॉम गवर्नमेंट अर्चका ट्रेनिंग सेंटर. अर्चका ट्रेनिंग सेंटर इज नथिंग बट प्रीस्टहुड का ट्रेनिंग सेंटर. ठीक है, तो जनरली प्रीस्टहुड इज ओनली फॉर द ब्राह्मण्स, इट इज नोन, लेकिन नॉन ब्राह्मण्स ने भी वहाँ पे वहाँ से पास आउट कर लिया है अभी. सो दैट इज ऑल यू कैन ऐड. एंड उसके अलावा दिस इज अबाउट न्यू वैष्णविज्म. जिसमें एंडोगमी ये सारी चीज़ों के बारे में एंड द मैरिज बिटवीन मतलब वही अनुलोमा प्रतिलोमा मैरिजेस एंड इंटरकास्ट मैरिजेस, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर कुछ है. अगेन दिस इज जस्ट अ बिग पैराग्राफ, नथिंग कॉन्क्रीट अबाउट इट. इफ़ यू वॉन्ट टू रीड यू कैन रीड, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. नेक्स्ट क्लास एंड कास्ट, इनके बारे में तो होता ही है. एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, लास्ट ईयर बहुत चीज़ें आ गई थी तो दिस ईयर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल आई हैड सम इन्फॉर्मेशन तो मैंने ऐड कर दिया. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि 11th यूनिट में मेंस्ट्रुएशन में जनरली कामाख्या जो असम में है टेम्पल, तो इट इज़ नोन फॉर द मेंस्ट्रुएटिंग टेम्पल. ठीक है, तो यूजुअली वही टाइप के एग्जांपल्स लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दे सकते हैं जो ट्राइबल एरियाज में हो रहा है. ठीक है, तो पीरियड हट्स के नाम से, और दिस वाज वेरी प्रोमिनेंट पहले भी कि गांव होता था तो उनका एक गाँव के बाहर एक हट होता था जहाँ पे सारी वुमेन जो भी मेंस्ट्रुएट कर रही होती थी वो वहाँ इकट्ठा होती थी. एंड जनरली द ऑल द वुमेन यूज टू मेंस्ट्रुएट एट अ पर्टिकुलर टाइम दैट इज क्लोज टू द न्यू मून. Okay, and when you are ovulating during the full moon. So that was the cycle. But because of the light pollution, things have been haywired and women are not following the cycle of the moon. So generally, kaha jata hai, menstrual cycle is like a moon cycle. So that is why there were period huts and why un period huts ko bahut hi keh sakte hain. What is that called? Spiritual energy. High in spiritual energy mana jata tha because the women during these days of periods are considered to be having high energies. So that is what it is. इसलिए उनको अलग से रखा जाता था एंड उनको और भी कोई दूसरा काम नहीं दिया जाता था. लेकिन उसका फिर जैसे जैसे है वो evil की तरफ हो गया, मतलब people started seeing the women as a not so holy person during menstruating and all such stuff. तो वो सारी लिख सकते हैं. एंड देन hashtags like happy to bleed, ये सारी चीज़ें पीरियड्स को डिस्टिगमेटाइज. और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यू कैन यूज इट इन योर इंटरव्यू ऑल्सो अगर इनके ऊपर क्वेश्चन है. नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ऑल द थिंग्स कि यू आर और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, जैसे कंपेयरिंग एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स हो या इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पर से क्वेश्चन हो तो उसमें आप ये पॉइंट्स डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं. बिकॉज स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आई डाउट कि पूछा जाए, लेकिन डेफिनेटली यू कैन यूज इट समवेयर. That I'm pretty sure. तो यहाँ पर economics जैसे है, it is a very scientific kind of study. ठीक है, anthropology tries to study it holistically. ये point हम सारे 1.3 unit में सारा कुछ पढ़ते ही हैं. ठीक है, on that basis, how are we able to judge the bitcoins? इसके ऊपर है. तो points बहुत ही simple से हैं. Emic truth, मतलब basically जो भी आपके anthropology के traits हैं, जैसे holistic study, emic perspective, cultural relativism. Okay, and using participant observation and field work. Okay, trying to know the culture from in depth. So all these points ke through, aap bitcoins ko study karenge, to aapko samajh mein aa jayega ki bitcoin is not something to go away. It is going to stay. And is wajah se anthropologists bitcoin ko ek alag definition dete hain. They call it that bitcoin are there to leverage people's ethos. ठीक है, they are comparing bitcoin with culture, cultural aspect. तो वो आप इसमें add on कर सकते हैं. और लेकिन उनके कुछ drawbacks भी हैं. ठीक है, जैसे it will lack quantitative toolkits. It will, because it is a highly diverse discipline, generally known to be a highly diverse discipline, लेकिन it is moving towards homogenization. That is why जो bitcoin को study करने की उनकी ability है, मतलब varied study करने की, वो थोड़ी hamper हो रही है आजकल. ठीक है, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टेक्निकलिटीज या व्यू पॉइंट्स हैं वो लैक करता है एंथ्रोपोलॉजी. दैट इज़ वाई हम जो बिटकॉइन को करंट मॉनेटरी इकोनॉमी में गेज कर रहे हैं तो वो एंथ्रोपोलॉजी नहीं कर पाएगा. सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कंपेयरिंग द बालिनीज कॉक फाइट ऑफ क्लिफर्ड गीट्स विद बिटकॉइन. दोनों को अगर सुपरफिशियली देखें तो दोनों लगते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ मिंटिंग मनी, बट अगर डीपर
तरह से देखें तो जो लोग एक्चुअली कॉक फाइट कर रहे हैं तो उनका वो प्रेस्टीज का मामला हो जाता है। लाइकवाइज बिटकॉइंस में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए बिटकॉइंस अलग एक सेगमेंट है, जो बाहर से पेरिफेरी में देख रहे हैं या ऑडियंस बन के देख रहे हैं उनके लिए बिटकॉइंस इज समथिंग एल्स। सो दिस इज हाउ द कंपेरिजन इज बीन डन यहाँ पर। देन उसके अलावा नेक्स्ट अगेन स्वीडनिंग एंड इट्स ऑल्टरनेटिव्स। तो देर इज अ सॉल्ट अप्रोच, स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड टेक्नोलॉजी अप्रोच दैट द लोकल ट्राइब्स आर टू बी अडॉप्टेड। दिस इज नथिंग बट योर ऑर्गेनिक वे ऑफ डूइंग द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों के बारे में है। एंड नागा कम्युनिटी जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन फॉलो करती थी तो उनको काफ़ी कह सकते हैं अप्रोचेस के थ्रू सॉल्ट अप्रोच के बारे में बताया गया एंड दे हैव स्टार्टेड adopting that and changing their dimensions and this is another concept called farmer field school। So इसको use करके भी लोगों को salt approach के benefits के बारे में बताया जा रहा है and stuff like that। ठीक है, ये एक interesting combination है कि अगर आप matrilineary या matrilineage अगर आपकी society है तो women की health जो है उन societies में काफ़ी अच्छी होती है। इसको substantiate करने के लिए study किया गया था Mosu community में दो मतलब मोसो सोसाइटी में दो कम्युनिटीज को स्टडी किया गया था और उससे पता चला। एंड लाइकवाइज इफ यू आर कंपेयरिंग विद पैट्रिलिनियल कम्युनिटीज तो वहां पर जो है हाइपरटेंशन एटसेट्रा वुमेन में ज्यादा पाया गया है इन कंपैरिजन टू मेन। तो ये भी सब्सटेंशिएट कर रहा है उसी चीज को। सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट अबाउट। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अबाउट ट्राइबल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिकॉज ऑफ कोविड देयर वाज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो किस तरह से उनके एम्प्लॉयमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ट्राइफेड वगैरह के एग्जाम्पल्स ऊपर से दे सकते हैं और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वॉट वर द कॉजेज फॉर देयर अनएम्प्लॉयमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल केस स्टडीज। उसके अलावा ट्राइबल पार्क्स, ट्राइबल फूड पार्क्स इस तरह से काफ़ी सेटअप हो रहे हैं जिसके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देर इज वन मोर केस स्टडी आई थिंक फर्दर डाउन जहाँ पर ट्राइबल यूथ को ट्राइबल गाइड्स, ठीक है, टूरिस्ट गाइड्स की तरह उनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है ताकि, एंड देन दे आर क्रिएटिंग ट्राइबल म्यूजियम आउट ऑफ इट जिसके थ्रू वो गाइड्स बनके उस म्यूजियम के थ्रू अपने ही कल्चर को वो बताएंगे एंड दैट इज हाउ दे कैन गेन एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ इट। सो दीज आर सम इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन डन। अगेन क्रॉस कजन मैरिजेस के ऊपर देर इज अनदर केस स्टडी। सो आई एम अज्यूमिंग क्रॉस कजन काफी बार आ सकता है। ठीक है, देन अगेन दिस इज अबाउट अगेन मेंस्ट्रुएशन in the Assamese society and it has been it is a study, proper study done by Maitreyi Patar. So again the same thing about menstruation and the sexual taboos, menstruation taboos, wo sari cheezon ke bare mein. Then tribal health ke upar ek hamara initiative hai Indian government and baki organizations ka, which is known as Anamaya. So it is a collaborative initiative and uske upar Smriti Irani ne ek कमेंट किया है कि ये आप एनजीओ एंड मतलब एनजीओ का रोल क्या है ट्राइबल डेवलपमेंट में, इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज साथ में मिले जैसे अनामाया इनिशिएटिव में मिले हैं तो उससे जो है ट्राइबल हेल्थ बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है। दैट इज व्हाट यू कैन ऐड ऑन ओवर हियर। देन दिस इज अगेन अ स्मॉल केस स्टडी अबाउट हाउ माइनिंग इज पोजिंग सम थ्रेट इन द सोसाइटी ऑफ राजमहल हिल्स, तो वो आप लिख सकते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कोन्याक ट्राइब एंड कल्चर चेंज। तो यहाँ पर पहले हम जानते हैं कि कोन्याक नागा ट्राइब्स जो हैं हेड हंटिंग किया करते थे, यस, बट ड्यू टू ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर दैट थिंग्स चेंज्ड। तो दैट इज वॉट यू कैन राइट अ प्रॉपर केस स्टडी अबाउट दैट। देन जापानीज का फैलिस फेस्टिवल। नाउ वी ऑल नो दैट चाइना, जापान, दीज आर द नेशंस एंड स्पेशली जापान इज द नेशन जहाँ पर काफ़ी ओल्ड एज पॉपुलेशन हमको मिल रही है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक ये जो फेस्टिवल है अबाउट फर्टिलिटी वॉज नॉट बीन सेलिब्रेटेड, लेकिन अभी 2019 ऑनवर्ड्स ये काफ़ी सेलिब्रेट होने लगा है बिकॉज ऑफकोर्स दे ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर टोटल रिप्लेसमेंट, मतलब TFR, उनका TFR उनको इम्प्रूव करना है, तो दे हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द फर्टिलिटी फेस्टिवल। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट फैलिस फेस्टिवल, उसका नाम भी है कनमारा मस्तूरी फेस्टिवल। सो यू कैन राइट एंड दिस गिव्स सिग्निफिकेंस फॉर द LGBTQ कम्युनिटी ऑल्सो। तो अगर उनके एस्पेक्ट में कहीं क्वेश्चन आए या सेक्शुअल क्रोमोसोमल एबरेशंस में क्वेश्चन आए तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दे डू क्रॉस ड्रेसिंग, ओके, एंड दे बिकम लाइक ट्रांस वुमन एंड दे डू एंड देन ऑल सच स्टफ हैपेंस वहां पर। तो बेसिकली दे आर सेलिब्रेटिंग फर्टिलिटी एंड वुमेनहुड इन अदर वर्ड्स। ठीक है, अगेन दिस इज अबाउट अ स्मॉल एंड यूनिक ट्राइब नोन एज यानोमामी पीपल।
तो यहाँ पर भी यू कैन रिलेट इट विथ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस एट्सेट्रा, गोल्ड माइनिंग और वहाँ से जो डिजीजेस आ रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में. एंड दीज आर जस्ट निटी ग्रिटीज ऑफ दैट ट्राइब. जनरली पूछा नहीं जाता है इन पर्टिकुलर ट्राइब पे, बट इन केस इफ इट इज इन द बैक ऑफ योर हेड एंड यू कैन यूज इट समवेयर, यू नेवर नो, राइट. निशी ट्राइब्स, अगेन इट इज शोइंग द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस एंड द नेचर. तो ये आप एनएमएस कॉम्प्लेक्स या कहीं भी इसको एड ऑन कर सकते हैं. अगेन दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड फैमिली कल्चर. ठीक है, तो फैमिली वाले सेगमेंट में इन केस अगर नहीं भी आया क्वेश्चन अबाउट फैमिली कल्चर, तो यू कैन एड इट लाइक एंड वैल्यू एडिशन. तो फैमिली कल्चर का मतलब क्या है कि हर फैमिली का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, सेट ऑफ कस्टम्स होते हैं. तो फैमिली को आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं, कल्चर को अलग से डिफाइन कर सकते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन यूज दिस वन डेफिनेशन ओनली. इट इज अबाउट, और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जनरली इट इज अनस्पोकन. मतलब आप फैमिली को देखते हो तो आपको उसके कल्चर के बारे में समझ में आने लगता है. ठीक है, फिर इट इज बेस्ड ऑन द एल्डर्स एक्सपेक्टेशंस, और इट इज बेसिकली इट इज अ रेसिप्रोकल रिलेशन. जो आप मतलब जो बड़ा करेगा वही छोटा सीख के फैमिली कल्चर को आगे आगे बढ़ाएगा. सो दिस इज अबाउट इट. एंड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं इसके, फेथफुल फैमिली कल्चर. सो आई डोंट थिंक इतना डिटेल में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आई हैव गिवन इट टू यू. नेवर नो, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है. लेकिन वॉट यू कैन बेस्ट यूज इज यू कैन यूज इट एज अ वैल्यू एडिशन इफ एट ऑल अ क्वेश्चन कम्स ऑन फैमिली. देन गोंड ट्राइब आई ऑलरेडी टोल्ड यू इम्पॉर्टेंट है. तो ऑल्सो बिकॉज उनकी जो एक रानी है, रानी कमलापति, उनके ऊपर एक रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है. ठीक है, तो गोंड ट्राइब अगेन इज इम्पॉर्टेंट. फिर यू कैन यूज दिस सेगमेंट मीडिया फॉर सोशल चेंज. तो जय भीम मूवी का ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भी डाला था. तो काफ़ी काफ़ी बहुत मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, विच यू कैन यूज़ एज मीडिया फॉर सोशल चेंज. ठीक है, सोशल चेंज के लिए इस तरह की मूवीज़ का आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और यहाँ पर कौन सी ट्राइब के बारे में बात किया गया है, इरोला ट्राइब के बारे में. सो यू कैन विच क्राफ्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू विच क्राफ्ट और सॉसरी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं. काफ़ी टाइम से पेंडिंग है तो आ सकते हैं. सो लाइकवाइज, तो यहाँ पर बस एक छोटा सा केस स्टडी है. मतलब यहाँ पर हम जीनियोलॉजी ऑफ विचेस, उनका भी जीनियोलॉजी कर रहे हैं. जीनियोलॉजी के थ्रू हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट इज अबाउट दैट एंड द जनरल रिचुअल्स. एंड जनरली माना जाता है कि विचक्राफ्ट जो है इट इज़ लाइक अ बैड थिंग, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि विचक्राफ्ट इज अ रिलीजन इन सम ऑफ द सोसाइटीज, और उसको हमें एक अच्छे वे में देखना चाहिए, ना कि बुरे वे में. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टडी दैट हैज बीन डन. उसके अलावा ये जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ट्राइबल यूथ एज टूरिस्ट गाइड, तो ये महाराष्ट्रन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है. दैट इज व्हाट यू कैन ऐड. देन प्राइमेट बिहेवियर में अगेन दिस इज अबाउट एप्स एंड ह्यूमंस को कंपेयर करते हुए ये स्टडी है. इट्स अबाउट नट स्मैशिंग. जैसे हमारे एंशंट जो ह्यूमंस थे, ठीक है, आर्काइक ह्यूमंस, तो उन्होंने स्टार्टिंग में टूल मेकिंग किया था. तो उसी तरह से जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, उसी तरह से अभी हमको देखने को मिल रहा है कि जो ये एप्स हैं वो उसी तरह से टूल्स को यूज़ कर रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि हमने टूल्स बनाए थे, वो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं. तो वी कैन से दैट द चिंपैंजीज टुडे आर फॉलोइंग नथिंग बट अ प्रोटो ह्यूमन कल्चर. सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू कैन यूज एनी वेयर यू लाइक, प्रोटो ह्यूमन कल्चर. ओके, बाकी और इतना इसमें कुछ नहीं है. दूसरा, मैट्रिलिनियर एंड अथॉरिटी. अगर आपने खासी ट्राइब वाला वीडियो देखा है तो वहां पर ये बहुत ही एलैबोरेटली मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि खासी ट्राइब में चाहे लीनिएज मैट्रिलिनियज हो, मतलब प्रॉपर्टी पास ऑन होती हो मदर टू डॉटर, लेकिन जो अथॉरिटी होती है वो मेल डोमिनेंट ही होती है. ठीक है, बस फर्क इतना होता है कि पैट्रियार्की में फादर साइड इज मोर डोमिनेंट. यहाँ पर जो है एवेन्यू लोकल, दैट इज जो मामा का साइड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. मतलब योर मदर्स ब्रदर बिकम्स अ अथॉरिटी रादर देन योर फादर. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो बस इसी के ऊपर सारा यहाँ पर है. लेकिन ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज देर इज अ बिल बींग इंट्रोड्यूस्ड कि जो अभी प्रॉपर्टी होगी इट विल नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम द मदर टू द यंगेस्ट डॉटर. इट इज गोइंग टू बी लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो इस तरह का बिल है. तो बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं कि इस तरह का बिल कभी पास ऑन नहीं होगा. It is not very possible. So this is about that. And last में clown doctors as shamans. तो यहाँ पर it is a combination of having Western medicine with your traditional medicine. इन दोनों को use करना चाहिए और shamans को
यूज करना चाहिए फॉर बेटर हीलिंग पर्पस, मतलब यूज शमन्स टू हील थ्रू वेस्टर्न मेडिसिन अगर क्रक्स बात करें. सो दिस इज अबाउट द वैल्यू एडिशन मटेरियल. अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं मुझे. आपको भी 1-1.5 या मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे. एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लेना और उसी में से नोट डाउन कर लेना जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे. डोंट कीप इट फॉर द एंड. आई वुड रिकमेंड आज ही कर लो, जो कल एग्जाम दोगे उसके पहले पढ़ने की कोशिश कर लो एक बार. सो इट विल बी हैंडी फॉर यू. तो उसको यूज करोगे तो देन आई विल थैंक यू. और इन्हीं थीम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया तो इन्हीं थीम्स पे क्वेश्चन आते हैं. तो जैसे अगर बिटकॉइन के ऊपर आया तो यू कैन यूज इट एज एन, और मेरा तो काफी मतलब ऐसे आई कैन कनेक्ट विद इट कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया. अगर नहीं भी आया तो कहीं ना कहीं यूज करके आ जाना उसको. अभी तो there are already a lot of classes going on, batches काफी है, तो once they end then I will get back to YouTube. Okay. Yeah. मतलब if you require it then I can make it at on urgent basis, मतलब your batch, mains वाले batch. और इतना डिटेल में भी नहीं जाना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई इंडिविजुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे. इट इज जस्ट फॉर यू टू राइट इट समवेयर इन द कंक्लूजन और इन द इंट्रोडक्शन. और ये बात मैंने ऑलरेडी कहीं पहले भी बोली है कि अगर कोई चीज बहुत ही न्यूज में है एंड इट इज वेरी फ्रेश इन द न्यूज, ट्राई टू यूज दैट इन द इंट्रोडक्शन. ठीक है, जैसे मान लो हमने अचूलियन कल्चर ट्रेडिशन पढ़ा, राइट? तो वो क्यों न्यूज में था? बिकॉज जो है वहां पर अचूलियन कल्चर ट्रेडिशन का अतिराम पकम में साइट मिला है, तो दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज. सो राइट सच इन्फॉर्मेशन इन द इंट्रोडक्शन. बट देर इज समथिंग दैट इज बीन इन न्यूज फॉर पास्ट 4-5 years. यस, सो यूज दैट इन्फॉर्मेशन इन द कंक्लूजन. ओके, सो दिस इज द लाइक यू कैन यूज द कंटेम्प्रेरी एंड द न्यूज आइटम्स लाइकवाइज. तो इससे भी काफी आपका इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है एग्जामिनर पे, कि अगर बहुत ही फ्रेश माल है आप ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं तो एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी कि चलो इस ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बैठा है टाइप में, इस तरह का इम्प्रेशन पड़ जाता है. सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया बेसिकली, कि अगर कोई चीज़ बहुत ही फ्रेश है, जैसे अगर ये होमो लॉन्गी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आए, या इनके ऊपर तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, बट इनसे रिलेटेड कुछ भी एवोल्यूशन से रिलेटेड आया तो इसको इंट्रोडक्शन में डालना है आपको. लेकिन वही चीज अगर कोई पुरानी न्यूज है, जैसे देनी चौहान है, ये सारी चीजें हैं, तो उसको आप कंक्लूजन में डालें. तो बेसिकली फ्रेश माल ऊपर, बासी माल नीचे. ओके, और बाकी क्वेश्चन पेपर तो कल ही सर्कुलेट हो जाएगा. जिसको दोनों एक साथ देने हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है? और अभी तो वो सेशन ऑलरेडी कहीं रिकॉर्डेड है मेरे पास, ठीक है, जिसमें मैंने पूरे पेपर को समझाया है किस तरह से ऑप्ट करना चाहिए. वो तो वो भी मैं वैसे का वैसा अपलोड कर दूंगी, उसको एडिट वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, वो वैसा का वैसा अपलोड कर दूंगी, वहीं से आप वो देख सकते हैं, ठीक है? वो दोबारा लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट इज़ वॉट वी कैन डू. तो अभी दोनों ये वाला और वो वाला दोनों अपलोड कर दूंगी. सो You can see it at your convenience. कल एग्जाम के पहले ही आप बाद में देखना चाहें, जब भी आपका कम्फर्ट है तब देख सकते हैं आप उसको. बाकी और कोई डाउट है?
कल आई थिंक 9 बजे ही पेपर मिल जाएगा, तो 9 to 12 ही लिखना जैसे अभी रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट है। और जिसको स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत आ रही है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेना, और वहीं पे पेपर लिखो तभी मेंशन कर देना। और इस बार कोशिश करना कि एक पेज एम्प्टी छोड़ो लास्ट में, मुझे डिटेल्ड रिव्यू देने के लिए, ठीक है? एक पेज एम्प्टी छोड़ना फुल लेंथ टेस्ट के लिए, लास्ट में ध्यान रखना एक पेज एम्प्टी छोड़ देना। ओके देन,